Now we will see what testing and school readiness is. Testing is used to assess children's knowledge and skills. असल जो हमारा मकसद है बच्चे की assessment का test को use करने का वो ये है कि हम देखें कि बच्चा किस knowledge तक पहुंच गया है और कितनी skills हासिल कर चुका है. Testing is used to identify children who may need additional support. तो असल मकसद तो ये था कि जो बच्चे एक खास बेंच मार्क तक या इंडिकेटर अचीव नहीं कर सके उनको सपोर्ट किस तरह से किया जाए कैसे उनकी मदद की जाए अगर वो वर्ड्स के जरिए नहीं सीख सकते पिक्चर्स के जरिए सिखाएं वीडियोस के ज़रिए सिखाएं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाएँ एक्सपीरियंशल लर्निंग के जरिए सिखाएं तो कोई और तरीका इस्तेमाल करें देन टेस्ट कैन माइर अ वैरायटी ऑफ स्किल्स इंक्लूडिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट, तो बात यह है कि टेस्ट सिर्फ अकेला पेपर पेंसिल नहीं होना है बल्कि इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसको एज एन असमेंट बच्चों की लर्निंग में इनकोपोरेट किया जाए कभी तो वो कागनेटिव एबिलिटीज़ को चेक कर रहा हो कभी आप लैंगवेज डिवेलपमेंट में देख रहे हो बच्चे की स्पोकन औरल कम्यूनिकेशन को भी चेक करें फिर आप देखिए कि उसकी सोशल और इमोशनल स्किल्स क्या हैं। इसको भी मैयर किया जाना चाहिए और साथ साथ बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को भी मैर किया जाना चाहिए लेकिन याद रखिए ये सारे मैयर्स ये सारी असेसमेंट बच्चे को डिग्रेड करने के लिए नहीं है बल्कि उसको सपोर्ट करने के लिए दी जाती है कि अगर कोई कहीं पीछे रह गया है तो उसकी मदद की जाए कोई बेहतर है तो उसको अप्रीशिएट किया जाए और मज़ीद उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉय किया जाए स्कूल रेडीनेस रिफर्स टू अ चाइल्ड प्रिपेयर्डनेस फॉर स्कूलिंग अब कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जो हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं जब बच्चा किसी भी क्लास में जाता है ये देखने के लिए कि आया वो उस क्लास तक के काबिल हो गया हुआ है वहाँ पढ़ने के लिए जाने के लिए और जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी वो उसको आ गई हुई हैं अब ऐसा भी होता है ना कि बहुत सी क्लासेस के लिए भी आपने देखा है कि अब आप किंडर गार्डन में भी बच्चा लेके जाते हैं तो उसका कोई ना कोई टेस्ट होता है कि अच्छा आपको चीज़ों के नाम बोलने या बताने आ गए हैं ये कि जैसे वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकता है कि स्कूल का नाम है या घर का नाम है जिस तरह का तो उसके लिए छोटे लेवल जो है स्टैंडर्ड जो हैं वो पहले से बनाए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि बच्चा तैयार है कि नहीं अब रेडीनेस का मतलब हम ये लेते हैं कि जी खास पहले से ये चीज़ें आती हों तो बच्चा क्लास में जाए असल में ये ऐसा नहीं है क्लास में उसको सीखने के लिए जाना है इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो पहले से सीख के जाए जो रेडीनेस है वो ये है कि क्या बच्चा बात सुनने के समझने के काबिल है जिस तरह से उसको हिदायत दी जाती हैं इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको समझ के उन पर एक्ट कर सकता है जैसे वो हाँ और ना के फर्क को समझ सकता है कि उसको बताया जाए कि ये आप करेंगे और ये आप नहीं करेंगे तो अबाइड बाय कर जाए वो कहना मान सके फिर ये कि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हुई हुई हो ये ना वो क्लास में बैठा तांग हो रहा हो या कुछ ऐसा कर दे तो रेडीनेस जो है वो ये है कि बच्चा सीखने के लिए जानने के लिए मोटिवेटेड है और ये कि उसको सारी बेसिक जो सलाहियतें हैं वो उसके अंदर पैदा हो चुकी हैं तो फिर वो बेहतर तरीके से अपनी क्लास में चल पड़ेगा इट रिफर्स टू अ चाइल्ड रेडीनेस टू सक्सीड इन अ फॉर्मल स्कूलिंग एनवायरमेंट क्योंकि देखिए घरों में तो बच्चे सारा वक्त उछलते कूदते रहते हैं इधर से उधर जाते हैं उधर से इधर जाते हैं दिल चाहे बाहर निकल गए लेकिन क्लास के अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता वहाँ कुछ ना कुछ डिसिप्लिन तो होता है कि सब अपने अपने बेंचेस पे या अपनी कुर्सी पे बैठे हैं अगर उनको लाइन बनाने का कहा जाएगा तो लाइन भी बनाएंगे तो इस तरह से उस क्या उस डिसिप्लिन के अंदर आने के लिए वो काबिल हो गए हैं और इस काबिल हैं कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकें सो फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुन्स वो ये क्या क्या बच्चे की कोग्नेटिव एबिलिटी जो है वो इस वक्त तो, इस काबिल है समझ उसको आ रही है बातों की सोशली वो हर किसी को देख के रो तो नहीं पड़ता या उससे हेजिटेट तो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा शाइनेस तो नहीं है उसके अंदर तो इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज देयर एक्सपोयर टू लैंग्वेज एंड अर्ली लिटरेसी स्किल्स तो वो जो शुरू शुरू में छोटे चोट छोटे फिक्रे हैं बात है अपना माफी और जमीर समझाना है क्या ये सारी बातें उसके ही पैदा हो चुकी हैं तो इसको हम प्लेसमेंट असमेंट कहते हैं जब हम किसी बच्चे को किसी भी दर्जे में ख्वा वो बिल्कुल इब्तदाई दर्जा ही क्यों ना हो उसके लिए हम बच्चों की रेडिनेस को मैर करते हैं कि आया वो अपने क्लास के फॉर्मल सेटअप के लिए तैयार हैं या नहीं